दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। एवरीवन कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज का हमारा टॉपिक है अभी वैदिक काल। वैदिक काल में हमारा ऋग्वैदिक काल लगभग हो चुका है, उसके एक या दो टॉपिक बाकी हैं। आज हमारा मोस्टली होगा अभी उत्तर वैदिक काल। चलिए अभी करते हैं स्टार्ट हमारा उत्तर वैदिक काल। चलिए पहले देखते हैं ऋग्वैदिक काल के दो टॉपिक बाकी हमारा खाना और अर्थव्यवस्था, वो देखते हैं। खाना देखिए, जो आर्य लोग थे भाई, यानी ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो लोग क्या थे, शाकाहारी थे, ज़्यादातर शाकाहारी थे। वे गेहूं और जौ आदि खाते थे। मांस भक्षण कभी कभी किया जाता था, यानी ओकेजनली त्योहारों पर या त्योहारों वगैरह पर क्या किया जाता, मछली पक्षी भेड़ बकरी आदि खाए जाते थे। पेय सोमरस, एक पहाड़ी पौधे से मिलने वाला प्राण पोषक, संभवतः काश्मीर से। क्या है भाई सोमरस जो हमारा है, ये एक पेड़ से मिलने वाला पदार्थ है, जो क्या उस समय में अमृत के समान माना जाता था। इसको ये कहा जाता भी एक अमृत है, अमर होने के लिए पिया जाता है इसको। इससे आपको पीने से आपको कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद देखिए भी राजनीति कैसी थी उन लोगों में, राजनीति का क्या था भाई, पितृसत्तात्मक परिवार था, यानी पिता की सत्ता चलती थी। उसको क्या कहा जाता, कुल कहा जाता था। जैसे जो आज भी है हमारे यहाँ भी, एक इसी एक किस कुल से है वो हमारे यहाँ आज भी है। ऐसी की ऐसी गोत्र क्या है, जन गोत्र जो होता था वो क्या था, सिर्फ एक जन था। और जो जनता का प्रतिनिधि था उसे क्या कहा जाता था, अभी राजन कहा जाता था, जिसे राजा या राजन कहा जाता था। कुलीन लोगों की सभा क्या होती थी, सभा समिति या विधाता कहा जाता था। उसके बाद क्या है, जो प्रमुख की स्थिति यानी जो राजा है वो क्या था, वंशानुगत होती थी, मतलब क्या पहले पिता उसके बाद उसका पुत्र उसके बाद उसका पुत्र। लेकिन अगर इनमें से कोई कमजोर होता तो उसको क्या कर दिया जाता, समिति द्वारा हटा दिया जा सकता था। किसके द्वारा हटा जाता था, अभी समिति द्वारा। राजन को क्या दिए थे, सीमित अधिकार दिए गए थे। वो क्या था, उसको कोई भी अगर निर्णय लेना था वो किससे डिस्कस करेगा, पहले समिति से डिस्कस करेगा, अगर उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। अब एक आती है अंतरादिवासी लड़ाई। जो अंतरादिवासी लड़ाई है ये कौन सी, अभी जो भरत जनजाति ने किया है, दस जनजातियों के साथ लड़ाई, यानी इसको क्या कहा जाता है, दस राजाओं की लड़ाई कहा जाता है। कौन सी नदी के किनारे लड़ी गई थी, ये रावी नदी के किनारे हमारी ये लड़ी गई थी। उसके बाद देखिए भी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या थी भी, अर्थव्यवस्था कैसा था जीवन उन लोगों का, वो लोग किस पर निर्भर थे भाई, चारागाह ही जीवन था। मवेशिया पालन क्या था, प्रमुख उस समय का हमारा व्यापार था। कृषि क्या था, जो कृषि है वो गौण व्यापार था, मतलब क्या है, बहुत कम होती थी कृषि। युद्ध क्या, जब युद्ध हुए थे होते थे वो किसके लिए होते थे, मवेशियों के लिए, ना कि भूमि के लिए, जो जैसा ही आजकल होता है अभी, भाई भाई किसके लिए, भूमि के लिए अपने भाई के साथ लड़ाई कर रहा है, वो नहीं होता था उसमें। युद्ध किसके लिए होता था, मवेशियों के लिए, गविष्टि, मवेशियों के लिए लड़े गए युद्ध को क्या कहा जाता था, गविष्टि कहा जाता था अभी। दूसरा क्या था उन लोगों का काम, शिल्पकार थे वो, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चमड़े का सामान बनाते थे और लोहे की वस्तुएं बनाते थे भी। उस समय सिक्के का कोई अवशेष नहीं मिले हैं, यानी उसमें सिक्का नहीं था। वस्तुओं का विनिमय यानी कि वस्तुओं का लेन देन ही क्या था, या उपहार ही क्या थी, आधारित व्यवस्था थी। जैसे एक वस्तु किसी को कोई सामान लेना है वो दूसरे को उसके बदले एक सामान दे देगा। जैसे किसी को चावल घर का सामान लेना है, जैसे लोहे के औजार लेना है, तो वो क्या करेगा, उसको चावल दे देगा, या जैसे गेहूँ दे देगा, वो क्या करेगा, उस तरीके से हमारा क्या था, विनिमय, वस्तु विनिमय आधारित क्या था, अर्थव्यवस्था थी। कोई कर नहीं था भाई। बलि, बलि क्या होती थी, मतलब जिसको दे देना स्वैच्छिक उपहार दे सकता था, कोई किसी पर कोई कर नहीं था, अगर एक दूसरे को देना तो वो क्या करता था, स्वैच्छिक उपहार। अब स्वैच्छिक उपहार में क्या क्या आता था, गाय और महिला। महिला उपहार में क्या होगा, मतलब है यहाँ पर भी अपनी लड़की की शादी उसके साथ करवा दी, वो क्या है, उपहार ही माना जाता है। तांबे और कांसे का अभी तक कोई क्या था भाई, अब उपयोग होने लग गया था, लेकिन लोहे का उपयोग भी क्या है, ऋग्वेदिक काल में लोहे का उपयोग अब तक नहीं हुआ था। अभी लोहे का उपयोग हमारा कौन से काल में जाके हुआ, अंतिम वैदिक, उत्तर वैदिक काल के अंत तक। आगे देखिए भी गाय का महत्व, जो हमारा ऋग्वेदिक काल है भी उसमें गाय का बहुत महत्व है। गाय को क्या कहा जाता था, पुजारी, किसको उपहार दिया जाता था, अभी पुजारियों को। गाय को क्या कहा जाता था उसमें, गौ। गविष्टि, गायों के लिए युद्ध पहले बताया था। गोपति, गोपति कौन होता था, गायों का रक्षक या राजा। गोपति किसको कहा जाता था, गाय के रक्षक या राजा को। उसके बाद भाई दुहित्री, दुहित्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछ लिया जाता है कई बार, गोपियों की पुत्री, या तो क्या हो, गोपियों की पुत्री, या फिर क्या है भी, जो हमारा गोपति होता था उसकी पुत्री, जो क्या करती थी, गायों का पालन करती थी या दूध दोहती थी, वो क्या होती, दुहित्री।
क्या होती थी भाई? दुहत्री। उसके बाद गोमत। गोमत क्या होता था, जैसे आज के धनी व्यक्ति को हम क्या बोलते, रिच बोल देते इंग्लिश में, उसी समय उसमें के धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति कौन होता था उसमें? ये नहीं भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा वो धनी नहीं होता था, वो जिसके जो क्या है ज़्यादा गायों का मालिक होता था। सामाजिक वर्ग क्या लोग क्या करते थे, उसको समावित वाली पदवी पर बैठा देते और क्या होता था उसको क्या बना देते, गोमत बोल देते। और गाय का मांस खाना क्या था भाई? सख्त वर्जित था, यानी गाय का मांस खाना बिल्कुल मना था भी उस समय। उसके बाद है हमारी भी धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन का मतलब क्या है भाई? इन लोगों का धर्म यानी धर्म के प्रति कैसा था? तो इनके धर्म में क्या था भाई? सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋग्वेदिक काल में भी इंद्र, याद रखिए इंद्र। इस पर एज इट इज HSSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। लेकिन उसमें क्या है, ऑप्शन में इंद्र ना देकर साथ में क्या दिया था? अग्नि दिया था। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हुआ? अग्नि हुआ। उस क्वेश्चन का आंसर अग्नि आता था भाई, नायब तहसीलदार में था शायद क्वेश्चन। उसके बाद क्या था भाई हमारा, अनुष्ठान और भजन के लिए क्या किया जाता था? दूध घी सब्जी आदि की आहुति किसमें दी जाती थी? अग्नि में दी जाती थी भाई। अन्य कौन से देवता थे वो देखिए, स्थलीय देवता। स्थलीय देवता क्या थे? जो प्रकृति घटना होती है उसके आधार पर स्थलीय देवता बनाए गए थे, यानी पृथ्वी सोम और अग्नि ये किसमें थे? स्थलीय देवता थे। वायुमंडलीय देवता इंद्र वायु और मारुत, ये कौन से थे हमारे? वायुमंडल देवता थे। मारुत किसको कहा जाता था? भगवान हनुमान को कहा जाता है भी। स्वर्गीय देवता वरुण सूर्य और उषा। उषा किसको कहा जाता है? जो हमारी पूर्वाहन यानी सूर्योदय को। वरुण देव को किसका देवता कहा गया था अभी? आकाश और जल का देवता माना जाता था वरुण देव को। उसके बाद देखिए भाई हमारा यहाँ तक हमारा वैदिक काल था, अब हमारा शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या मानी गई भाई? 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारत में लौह युग की शुरुआत, मैं भी बताया था भाई ऋग्वेदिक काल में तांबे और कांसे से लोग क्या थे जानकारी होगी थी, लेकिन लोहे की जानकारी आकर कहाँ हुई भी? उत्तर वैदिक काल में। पूछ लिया जाता डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, भारत में लोह युग की शुरुआत किस काल में हुई? तो आंसर कौन होगा भाई इसका? उत्तर वैदिक काल। शुरुआती वैदिक युगों की तुलना में व्यापक परिवर्तन और विकास, सबसे ज्यादा व्यापक परिवर्तन जो हुए वो किसमें हुए भाई? उत्तर वैदिक काल में हुए। उसके बाद भूगोल, यानी ये लोगों ने कहां आना स्टार्ट किया भाई? जैसे हमारे ऋग्वेदिक काल में लोग कहां थे भाई? गंगा के इस किनारे थे। अब किसके किनारे आ गए भाई? देखिए आर्य लोग क्या थे? आर्य जनसंख्या पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ी। कहां किस ओर बढ़ी भाई? पूर्व और दक्षिण की ओर इन लोगों ने बढ़ना स्टार्ट किया। अरब सागर और विंध्य पर्वत के बारे में भी जानकारी मिली इनको भाई, आगे अरब सागर है, विंध्याचल पर्वत है, गंगा जमुना और दोआब सभ्यता का मुख्य केंद्र बना। क्या भी जो गंगा और जमुना है वो क्या बनी? दोआब। यानी दोआब का अर्थ क्या मतलब क्या होता है भाई? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, किसको क्या कहा जाता है? दोआब। अब क्या किया इन लोगों ने? जंगलों को साफ किया, जानवरों को मारने लगे जंगली जानवरों को, और मिट्टी को जोतने के लिए किसके उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा भी? लोहे का उपकरणों का प्रयोग करने लगा। उसके बाद क्या हुआ भी? इन लोगों को किसकी भी जानकारी होगी? घोड़े की जानकारी भी आ गई, जिसने इसको क्या किया बड़े आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। मतलब ये जितना जल्दी मतलब दूर तक गति कर सकते थे, कम समय में दूर तक जा सकते थे। उसके बाद सामाजिक जीवन भी। अब देखिए भी सामाजिक जीवन बहुत बदल गया यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में। क्या हो गया? वर्ण व्यवस्था अधिक विकास हो गया, वर्णों की जाति विभाजित किया गया, लेकिन अब तक कठोर नहीं था। क्या हुआ अभी? वर्ण व्यवस्था हमारी पहले ही आ गई थी ऋग्वेदिक काल में चार वर्णों में, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया गया? जातियों में बांट दिया गया अभी। जैसे हमारा ब्राह्मण हो गया, जाट हो गया, ये सारी क्या होगी हमारी उत्तर वैदिक काल में आई जागे जातियाँ। ब्राह्मण वर्चस्व समाज विकसित हुआ भाई, ब्राह्मणों का क्या हुआ? वर्चस्व आ गया, उनके हाथ में सत्ता आ गई। गार्गी और मित्री उस युग की दो बौद्धिक महिलाएं क्या थी भी? सबसे बुद्धिमान महिलाएं थी ये। इन दोनों के बारे में वर्णन मिलता है, गार्गी और मैत्री। ये इसका अर्थ क्या था भी? महिलाएं अब भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यानी उनकी स्थिति अच्छी थी पहले। अब लेकिन क्या है, सामान्य रूप से उनकी क्या होगी? स्थिति गिरावट आ गई। जैसे वो क्या करती थी पहले ऋग्वेदिक काल में सभाओं में भाग लेती थी और क्या करती थी बड़े जैसे हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, तो वो क्या होगी उनकी स्थिति गिरावट आई। क्योंकि क्यों आई? क्योंकि धार्मिक कृषि आधारित समाज ने महिलाओं को उनके घर के कामों तक ही सीमित कर दिया। वो लोग क्या करने लगे अब? सिर्फ घर के काम के काज में ही व्यवस्थित रहने। विभिन्न वैवाहिक प्रथाओं की शुरुआत हुई भी।
विभिन्न वैवाहिक प्रथाओं की शुरुआत हुई, जैसे अलग अलग तरीके के, जैसे हमारे अब बोल देते हैं एक तो अरेंज मैरिज लो मैरिज, उसी तरीके से वहाँ पर भी क्या हुई, बहुत सारे की अलग अलग तरीके की वैवाहिक प्रथाएँ शुरू हुई। उसके बाद अभी तीन ऊपरी वर्णों ने एक सामान्य परंपरा साझा की जिसे उपनयन समारोह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी उपनयन समारोह, उपनयन समारोह कौन से वर्णों में हुआ, तीन वर्णों में। क्या परंपरा साझा की भी, पवित्र धागा और मंत्रों के उच्चारण के साथ व्यक्ति का क्या किया जाता था, संस्कार किया जाता था। जैसे संस्कार का मतलब यहाँ पर क्या है भी, उस व्यक्ति को मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध किया जाता था और उसको क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था भी, द्विज, जिसका मतलब है दोबारा जन्म लेने वाला। ऐसा माना जाता था भी, इंसान जब तक इस समारोह से गुजर नहीं जाता तब तक वो क्या है, अपवित्र है। उसका दोबारा जन्म किसके बाद होता है, उपनयन समारोह के बाद। उसके बाद भी शूद्र को गायत्री मंत्र करने और पवित्र धागा पहनने की अनुमति नहीं थी। उसे अब क्या कर दिया, कुछ अधिकारों से वंचित कर दिया, जैसे मंदिर में प्रवेश वगैरह क्या हो गया, अब उसका वंचित कर दिया गया। अभी गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकता था वो, पवित्र धागा जो क्या करती थी, ऊपर की तीन वर्ण पहनते थे भी हमारे, वो नहीं पहन सकता वो। उसके बाद क्या किया भाई, इस क्या हुआ, आश्रम प्रणाली विकसित हुई। किस उपनिषद में मिलती है इसकी जानकारी भी हमें, ज्वाला उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है। चार वर्ण कौन से थे भी, ब्रह्मचार्य, उसके बाद है हमारा गृहप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें क्या था, ब्रह्मचार्य में तो क्या था भी, छात्र जीवन, यानी इसमें व्यक्ति को क्या है, छात्रिक जीवन को निर्वहन करना है। गृहस्थ आश्रम में विवाह करके अपने बीवी बच्चों का पालन करना, वैवाहिक जीवन आ गया। वानप्रस्थ में क्या है, वृद्धावस्था में आ जाएगा। और संन्यास में क्या है, वो अपना गृह त्याग करके, 60 की उम्र के बाद गृह त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद है आगे भी राजनीति। अब देखिए भी राजनीति क्या है, राजन ने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। देखिए उसमें क्या था, राजन को असीमित अधिकार थे। यहाँ पर राजन को क्या कर दिया भाई, वो अपने आपका अधिकार हो गया, उस पर किसी की कोई वो नहीं रहा। विधानसभा कम शक्तिशाली होगी, जो हमारी सभाएं थी वो क्या होगी, कम शक्तिशाली होगी, वो अब राजा पर अधिकार नहीं रख सकती थी। सभाओं में महिला का आविष्कार होने लगा भी, अभी भी बताया थोड़ी देर पहले भी, घर के कामों की वजह से उनको क्या है, अब उसकी जो स्थिति है वो दयनीय हो गई है। जनजातियां अलग अलग राष्ट्र नाम बनाने के लिए एकजुट और प्रमुख जातियों के नाम पर राज्य का नाम रखा गया। अभी जैसे कुरु और पंचाल अब प्रमुख थे, पहले कौन था, भृत। जब जनजातियों का युद्ध हुआ भी उसमें कौन था, भृत, लेकिन बाद में आकर कौन बना, कुरु और पंचाल बन गए हमारे। लोहे के हथियारों का विकास हुआ लेकिन कोई स्थायी सेना नहीं, अब तक राजाओं ने क्या है, स्थायी सेना नहीं रखी थी। सिर्फ क्या हुआ भी, उन लोगों ने अपना हथियार बनाए अभी तक लोहे के भी। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी भी, ये याद रखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। पुरोहित का काम क्या था भी, राजा को क्या करना, धार्मिक गतिविधियों में सलाह देना। ग्रामीणी, जिसे ग्राम स्तर पर काम किया जाता था। सेनानी, यानी सेना प्रमुख होता था। अवरत्नानी, राजा या राजन का प्रमुख सलाहकार होता था। सगरित्री, यानी तपस्वी होते थे, मतलब जैसे हमारे साधु होते थे, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म, ये क्या तपस्वी होते थे। बगदाहा, कर संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता, बगदाहा कहा जाता था भी। उसके बाद देखिए हमारी अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था कैसी आ गई भी, इन लोगों की पूर्णतः किस पर आधारित आ गई, कृषि आधारित आ गई भी। अब लोगों की कैसी आ गई, कृषि आधारित। व्यापक किस्म की फसलें निकालने लगी। लोहे के उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। शहरी केंद्र बन गए, जैसे हस्तिनापुर बना भाई। कुरु पंचाल में सबसे प्रमुख कौन सा भी, आपको देखने को भी मिलेगा महाभारत में, हस्तिनापुर का बार बार जिक्र मिलता है भी आपको। तो ये क्या, एक शहरी केंद्र था। हलों के, बैलों के हल का विकास हुआ। जमीन पर मालिकाना हक जताया जाने लग गया। ग्रिड प्रणाली आ गई, यानी व्यापारों ग्रिड प्रणाली का मतलब क्या, व्यापारिकों का संगठन। व्यापारियों ने क्या कर लिया, अपने अपने संगठन बना लिए व्यापार करने में, ताकि उन्हें आसानी हो। इस समय अवधि में क्या, शास्त्र में क्या भी, सोना चांदी लोहे का उपयोग वर्णित किया गया। क्या हुआ भी, अब हमें किसके बारे में पता लगने लगा, लोहे और चांदी के बारे में जानकारी आ गई। उसके बाद देखिए हमारा भी धर्म और दर्शन। इस युग में क्या भी, जो हमारे देवताओं के, उनके कर्म बदल गए। इंद्र अब कम महत्वपूर्ण हो गया भी। सबसे ज्यादा कौन था, प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। याद रखिए ऋग्वेदिक काल में कौन है, इंद्र, और उत्तर वेदिक काल में कौन है, प्रजापति। रुद्र को क्या कहा गया, विनाशक। विष्णु ऋग्वेद में मामूली देवता था, परंतु अब क्या हो गया, लोगों का रक्षक बन गया। पुष्पन गायों के रक्षक को कहा जाता था। उसमें कहा गया, किसको कहा गया गायों का रक्षक भाई, बताइए, गोमती, गोमत या फिर राजन को। और उसके बाद क्या है, बाद में वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रणाम मिले भी। यानी अब क्या है, इन लोगों ने क्या है, मूर्ति पूजा स्थापित कर दी। अनुष्ठान और भजन में कमी आ गई। मवेशियों का बलिदान शुरू हुआ, यानी अब क्या होगी, जीवों की बलि चढ़ाई जाने लगी भी।
किसकी, जीवों की बलि चढ़ाई जाने लगी। उसके बाद देखिए हमारा राजाओं द्वारा यज्ञ। अब राजा क्या करते थे अपनी समृद्धि दर्शाने के लिए, क्या तीन तरह के यज्ञ करते थे। पहला यज्ञ था राजसू, राजसू क्या अपना वर्षण अपना वर्षचव को प्रदान करने और लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। अश्वमेघ उन नक्षत्रों पर अप्रतिबिंधित नियंत्रण जहाँ शाही घोड़ा निर्बुद्ध रूप से चलता है, मतलब क्या होता था अश्वमेघ यज्ञ में भी जब एक राजा अश्वमेघ यज्ञ कराता था तो अपना घोड़ा छोड़ देता और उस पर एक प्रति लगाता था, ये जिस भी राज्य से निकलेगा अगर वो इसको रोकता है तो उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ, अन्यथा वो क्या उसके अधीन हो जाएगा। भी वाजपेयी वर्चस्व साबित करने के लिए राजाओं के बीच रथ दौड़, ये याद रखना आपको, वाजपेयी क्या था वर्चस्व यानी राजाओं के बीच आपस की लड़ाई किससे जीती जाती थी, युद्ध रथ दौड़ से। उसके बाद ये हमारा राज धर्म ग्रंथ आगे भी उपनिषद वैदिक काल में क्या क्या है अंत की क्या हुआ उपनिषदों इस काल में कौन है उपनिषद आगे भी। पहले में कौन थे हमारे जो वैदिक काल में ऋग्वेद ऋग्वेद लिखा गया है, लेकिन वैदिक काल के अंत में लिखा जो तीनों वेद हैं हमारे उनको क्या लिखा गया उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। उसके बाद ब्राह्मण प्रभुता और राज के खिलाफ एक मजबूत प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि भाई उस समय क्या ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था अपना प्रभुत्व ज़्यादा फैला लिया था, इसलिए उनके खिलाफ एक मजबूत प्रतिक्रिया शुरू हुई। कर्मकांड की आलोचना होने लगी और कर्म का ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया। भी कर्मकांड जैसे क्या हुआ भी पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे लोग, आत्मान के साथ ब्राह्मणों के संबंध ठीक से समझा जाने लगा। भी मतलब क्या था आत्मा के साथ ब्राह्मणों का संबंध, उपनिषद गुरु और बीच के संबंध का संवाद है, जो उपनिषद होते हैं उनका क्या होते हैं गुरु और शिष्य के बीच का संवाद होते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा सर्वोच्च इकाई के रूप में उभरे, पिता राजा के रूप में, ब्रह्मांड के पिता के रूप में काम करते हैं कौन भी ब्रह्मा। ज्ञान के अनुगम प्रचार शांति प्रवेशनशीलता असीनता के साथ सच्चा ज्ञान आत्मा और मोक्ष की अमरता, ये सारे किस्में हैं भाई धर्म ग्रंथों में इस समय के। उसके बाद क्या अभी आज का हमारा टॉपिक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा किसके साथ, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक के नोट्स आपको की पीडीएफ आज को आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।